मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की दसवीं कक्षा हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत है। चलो आज का पाठ देखेंगे। आज का पाठ है मेरा बचपन। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सभी को इनके बारे में पता होगा, ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे और इनके बहुत सारे पहले के। चलिए अब हम लेखक परिचय की तरफ जाएंगे। लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आउल फकीर जनलाबाद्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। स्थल यानी कि प्लेस कौन सा गांव में हुआ? तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 यानी कि पाँच साल तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का नाम मतलब क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। इन्हें पक्षपात्र पुरुष यानी कि पीसलमैन नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। ये बच्चों हम पाठ की तरफ जाएंगे। मेरा बचपन। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरा जन्म यानी कि किसका जन्म? अब्दुल कलाम जी का जन्म। ये इस पाठ के लेखक कौन है? कलाम जी है, तो यही इस पाठ को लिखा है। मेरा जन्म मद्रास राज्य के राज्य अब तमिलनाडु, पहले तमिलनाडु कहकर बुलाते थे पर अब मद्रास कहकर पुकारा जाता है, कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। कस्बे यानी कि एक गांव है। परिवार, परिवार का मतलब क्या है? फैमिली। मध्यवर्गीय फैमिली का मतलब क्या है? मिडिल फैमिली। मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जनलाबाद्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत ध्यानी व्यक्ति थे। तो ये इनके पिता के उतना पढ़ा लिखा नहीं थे वो। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। इनके बावजूद वे इतना पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी वे बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट। कौन? कलाम जी के पिता। उदारता की सच्ची भावना थी। कोई किसी को देख दिया तो आप क्या बोलते हैं? अब मैं एक छोटा सा बच्चा हो या कोई पूर गरीब लड़का हो तो हम क्या करते हैं? उनके ऊपर दब दयालु आता है, काइंडनेस, पिटी दिखाते हैं ना। इस तरह की भावना अब्दुल कलाम के पिता को थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। तो इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम जनलाबाद्दीन था और उनकी माता का नाम क्या है? आशी अम्मा। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। आदर्श जीवन संगिनी मीन्स एक अच्छे कपल थे दोनों। कौन? जनलाबाद्दीन और आशी अम्मा कपल थे, आइडियल कपल। उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे राज्य में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। तो उनके एक समाज में, उनके समाज कौन? वे एक मुस्लिम परिवार से आए थे। कौन? कलाम जी। तो उनके समाज में एक इनकी दोनों की जोड़ी, उनके माता और पिता की दोनों की जोड़ी, जोड़ी का मतलब कपल, जोड़ी को देखकर एक आइडल कपल कहकर पुकारा जाता था, आदर्श दंपति। मैं कई बच्चों में से एक था। तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो उन बच्चों में से इनके बच्चे यानी कि अब्दुल कलाम के पिता को भी कई बच्चे थे तो उनमें से एक अब्दुल कलाम थे। लंबा चौड़ा व सुंदर, माता पिता का छोटा कड काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। तो ये लंबा चौड़ा, इनके पिता माता इनके पिता लंबे चौड़े थे, सुंदर थे। तो उनके पिता को एक इनका एक एक था अब्दुल कलाम जी। साधारण सा दिखने वाला बच्चा, साधारण का मतलब दिखने में भोला भोला सदा, सिंपल लुकिंग, उनका लुकिंग कैसा था? देखने में बहुत साधारण था, सिंपल था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी का मतलब क्या है?
जैसे बड़ों का घर आता है, आप बोलते हैं ना कन्नड़ में पूर्व काल मने अंधेरते रला, उसी तरह पुश्तैनी का घर मीन्स बड़ों का, जो जैसे अब्दुल कलाम के पिता है ना, उनके पिता ऐसे ही उनका वंश चलता रहता ना, तो अब उसी घर में वे रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। तो उस रामेश्वरी गली, गली का मतलब क्या है, ओने बोलते हैं आप कन्नड़ में, ओने बोलते हैं, लेन इंग्लिश में लेन बोलते हैं, तो उसी गली में इनका घर था। मस्जिद वाली, मस्जिद का मतलब क्या है, मास्क बोलते हैं ना मुस्लिम्स, जहाँ वे जाकर प्रेयर करते हैं, तो उस तरफ की गली में इनका घर था। वह घर चूना पत्थर, चूना का मतलब हम क्या, पहले के घर कैसे थे, चूना पत्थर ईंट से बनाया हुआ और बहुत मजबूत घर थे, तो उस घर में वे रहते थे, बड़ा घर था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ें से दूर रहते थे। तो इनका परिवार एक बहुत साधारण सा परिवार था, जो उनके घर में चीज़ें रहती थी ना, उनको जो भी चीज़ उपयोग थी उन्हीं चीज़ों को वह अपने घर में रखते थे। तो वे बहुत क्या बोलते हैं, अमीर नहीं थे। ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, बड़े बड़े चीज़ों से वे दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। जो जिन चीज़ों से उनको उपयोग था उन सी चीज़ों से ही वे इस्तेमाल करते थे, उन चीज़ों को ही घर में रखते थे। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरे बचपन बहुत ही निश्चिंत और सादगी से बीता। भौतिक एवं भावात्मक दानों ही दृष्टियों से, तो यहाँ वास्तव में ये कहते हैं कि मेरा जीवन किन का जीवन, अब्दुल कलाम जी का जीवन बहुत एक सिंपल लिविंग, सिंपल लाइफ में इनका बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे कभी भी प्रायः मीन्स कभी भी क्या करते अपनी माँ के साथ, कि माँ का नाम क्या है, आशी अम्मा जी, आशी अम्मा जी के साथ रसोई का घर, रसोई मीन्स किचन रूम आप कहते हो ना, तो उसी को रसोई का घर कहते हैं। तो ये क्या करते थे प्रायः कभी भी अपनी माता के साथ रसोई के घर में ही खाना खाया करते थे। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। वे क्या करते थे, जब खाने के लिए रसोई के घर चले जाते थे, जब नीचे बैठते थे कौन, अब्दुल कलाम जी, तो उनके सामने इनकी माता क्या करती थी, केले का पत्ता यानी बनाना लीफ, पहले क्या करते थे ये ब्राह्मीण लोग क्या करते थे, उसी पत्ते में खाना खाते थे। कभी कभी आप अभी भी देखो, जहाँ शादी में हो या कोई फंक्शन में हो, इस तरह के पत्ते इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी माता क्या करते थे, पहले ये जाकर रसोई घर में खाने के समय जाकर घर में सॉरी रसोई के घर में जाकर बैठते थे, तो उनके सामने पहले उनकी माता क्या करती थी, केले का पत्ता बिछाती थी और फिर उस पर चावल यानी कि राइस डालती थी, उसके साथ सुगंधित यानी कि बहुत अच्छा सांभर बना हुआ रहता, स्वादिष्ट सांभर डालती, खाने पर सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार, अचार का मतलब क्या है, पिकल, वो पिन काय कहते हो ना, वो उसको अचार कहते हैं हिंदी में, तो उसके साथ पहले खाना, उसके ऊपर सांभर, फिर घर में बना हुआ अचार। पहले क्या करते थे, पहले के लोग अचार को घर में डालते थे, पर अब किसी को समय नहीं है, क्या करते हैं, हम दुकान पर जाते हैं, रेडीमेड अचार लाकर इस्तेमाल करते हैं। और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती, नारियल की चटनी यानी कि कोकोनट चटनी बोलते हैं ना, कोकोनट को क्या कहते हैं कन्नड़ में, कोबरी चटनी अंदर ला, कोबरी चटनी, नारियल की चटनी को चटनी भी साथ में थी। तो बहुत गरम गरम खाने पर आप भी देखो, कभी टेस्ट करो, गरम गरम खाना होता है ना, तो उसमें सिर्फ सांभर और चटनी अचार है तो बहुत स्वादिष्ट होता है, हम खा भी सकते हैं जब गरम गरम होता है। तो इन सभी चीज़ों को अब्दुल कलाम जी को घर में ही खाना मिल जाता था। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध
तीर्थ स्थल है, फेमस। आज भी देखो रामेश्वरम में, रामेश्वरम में शिव की मंदिर होती है, शिव जी का मूर्ति होती है, तो आज भी यह मंदिर बहुत फेमस है। यह इससे ही तीर्थ स्थल बहुत फेमस हो गए हैं। तीर्थ स्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता है। तो इनके घर से ये मंदिर है ना, रामेश्वरम की मंदिर, इनके घर से और मंदिर तक सिर्फ 10 मिनट का पैदल रास्ता, पैदल का मतलब बाय वॉक भी हम जा सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है वो। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुला था। जिस इलाके, इलाका मका मतलब क्या है, जिस एरिया में अब्दुल कलाम जी का घर रहता था और सब कौन थे, मुस्लिम लोग रहते थे वहाँ पर, मुस्लिम परिवार रहते थे और उनके साथ थोड़े कुछ हिंदू परिवार भी थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। आप पहले ज़माने में क्या करते हैं, कोई भेदभाव नहीं था, तो आप हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हिंदू का ये क्या बोलते हैं, ईद आता है, तो जो उनके घर में बना हुआ स्वीट हो, कुछ भी हो, एक दूसरे से हम क्या करते थे, दे लेते हैं, खुशी को बांटते थे। तो इसी तरह था, वहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं था, मिलजुल कर रहते पड़ोसी, आई मीन्स नेबर रहते ना, आजू बाजू जो लोग रहते थे वे सभी मिलजुल कर रहते थे, हम मुस्लिम तुम हिंदू, ऐसा कुछ भी भेदभाव उनमें नहीं था। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जो ये रहते थे ना वो एरिया में, एक बहुत पुरानी, पुरानी का मतलब क्या है, ओल्ड मास्क मीन्स मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो आप देखो मुस्लिम लोग क्या करते थे, हर रोज़ उन्हें 5 टाइम्स नमाज पढ़ना है, तो उस समय सवेरे दोपहर शाम रात ऐसा कुछ 5 टाइम उनका टाइमिंग है नमाज पढ़ने का। तो इनके पिताजी क्या करते थे, वो जो जहाँ उनके एरिया में पुरानी मस्जिद रही थी ना, उस मस्जिद को रोज़ अपने साथ अब्दुल कलाम जी को ले जाते थे। कौन, पिताजी, किसके पिताजी, अब्दुल कलाम जी के पिताजी रोज़ शाम अब्दुल कलाम को मस्जिद को ले जाते थे। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्ष लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। यहाँ पर देखो पुजारी पक्ष लक्ष्मण शास्त्री, ये हिंदू है, एक हिंदू है, पर अब्दुल कलाम जी के पिता जनरल आबादीन एक मुस्लिम है, पर इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं था, तो दोनों आपस में मीन्स बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, अभिन्न मित्र मीन्स क्लोज फ्रेंड्स थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे, ऐसे अध्ययन के बारे में, रिलीजियस के बारे में, सभी बातों में उनमें चर्चा मीन्स डिस्कशन होती रहती थी। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज के प्रसंगिता के बारे में पूछा। वे कहते हैं जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पता का कोई भेदभाव नहीं होता। आजकल देखो आप मत गलत मत समझो, देखो हिंदू लोग क्या करते हैं, उन्हें कोई भेदभाव नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मंदिर को नहीं, हम इस मस्जिद को भी जाते हैं, मस्जिद नहीं क्या बोलते हैं, दरगाह बोलते हैं ना, उसको भी जाते हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ये लक्ष्मण शास्त्री एक हिंदू है और अब्दुल कलाम एक मुस्लिम है, दोनों अलग अलग जाति हो पर अपने दोनों में भेदभाव नहीं था, उसी रिलीजियस के बारे में भी उनके बीच में चर्चा होती रहती थी। पर एक दिन क्या होता है, जैसे जैसे आप भी इतना एक दिन बड़े होते 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 आते हो, जब अब्दुल कलाम जी भी क्या करते हैं, एक दिन जब वे बड़ा हो गया, जब प्रश्न पूछने के लायक था, तो उन्हें एक प्रश्न पूछा अब्दुल कलाम जी, उनके पिता को एक प्रश्न पूछते हैं, जब नमाज पढ़ते हो तो अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पता का कोई भेदभाव नहीं। आप भी देखो जब नमाज पढ़ते हो तो हमारा मन बहुत पीस रहना चाहिए। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या फूफ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। तो किसको याद है, ये सभी कौन लिख रहे थे, अब्दुल कलाम जी, तो जो बीता हुआ पल वे क्या कर रहे थे, लिख रहे थे।
तो मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या डेली क्या होता है, जब सवेरे फटना मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सवेरे क्या करते थे, जब उठने के बाद पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। वे सवेरे 4 बजे उठकर, कौन जलालाबादीन अब्दुल कलाम के पिता, 4 बजे उठकर पहले क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे, वहाँ से ही उनका दिन शुरू होता था। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते थे, उनका एक बाग था लेकिन गार्डन, वहाँ पर नारियल की झाड़े बहुत सारे थे, तो नमाज के बाद वे क्या करते थे, उस बाग में जाते थे। बाग घर से करीब 4 मील दूर था, 4 किलोमीटर दूरी पर था उनके घर से, और वो बाग तक 4 किलोमीटर की दूरी को जाते थे। नमाज होने के बाद वहाँ पर जाते थे, कौन, जलालाबादीन। करीब डजन भर नारियल कंधे पर लाए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। जब नमाज होने के बाद 4 किलोमीटर दूर तक वे बाग को जाते थे, वहाँ से क्या करते थे, डजन, एक डजन में कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं, तो 12 नारियल क्या करते थे, उन्हें बांध कर अपने कंधे पर, कंधे का मतलब क्या है, शोल्डर, ये शोल्डर के ऊपर कंधे पर रख कर घर लौटते थे। घर आने के बाद ही उनका नाश्ता होता था। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिक की सारी ज़िंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझाने का भरसकर प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें ब्रह्म दुखों, विषेदा और सफलता में छुटकारा देती है तथा सही रास्ता दिखाती है। तो इनके पिताजी क्या करते हैं, उन्हें शिक्षा देते थे, किसको, अब्दुल कलाम जी को, किसके बारे में, वैज्ञानिक, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा एजुकेट करते थे, शिक्षा देते थे। वे पहले ही कौन, अब्दुल कलाम के पिता, उतना पढ़े लिखे नहीं थे, फिर ऐसे ही जनरली उन्हें शिक्षा देते थे। तो वे समझते थे कि ऐसी कोई शक्ति है, शक्ति का मतलब क्या है, डिवाइन पावर, कोई शक्ति है उनमें, इतने सारे एजुकेट कर रहे हैं, इतना सारा शिक्षा दे रहे हैं। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, लकड़ी की नौकाएं का मतलब, नौकाएं का मतलब क्या है, बोट, लकड़ी का मतलब उड, पहले क्या करते थे, पानी में जाने के लिए, नदी में जाने के लिए लकड़ी की नौकाएं बनती थी, हाथ से ही बनाते थे पहले वो, तो ये बनाने का काम शुरू किया, कौन, जलालाबादीन ने। उस समय मैं 6 साल का था, तो उस समय अब्दुल कलाम जी कितने वर्ष के थे, 6 वर्ष के थे। ये नौकाएं तीर्थ स्थल के रामेश्वरम से धनुषकोड़ी, सेतुकराय भी कहा जाता है, इस धनुषकोड़ी एक प्लेस है, वो जाते थे ना, सेतुकराय भी कहा जाता है, तक लाने ले जाने का काम आती थी। ये क्या होते थे, लकड़ी की नौकाएं, वहाँ बीच में क्या हो गया, शिव की मंदिर है, इस तरफ गांव है, तो लोग क्या करते थे, उस तीर्थ स्थल को आते थे, किसके लिए, भगवान का दर्शन के लिए, शिव जी की मंदिर का, उस रामेश्वरी मंदिर में शिव जी का मंदिर मूर्ति है, उनका दर्शन के लिए आते थे। तो वहाँ पर जाने के लिए बीच में एक नदी थी, छोटा पानी का ये था, पुल था, तो वहाँ से वहाँ जाने के लिए ये क्या बोलते हैं, नौकाएँ का इस्तेमाल करते थे। ये नौकाएँ लोगों को ले जाने को और ले आने का काम करते थे। स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे, पर वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन एक अनजान आदमी से मुलाकात होती है, उसका नाम है जलालुद्दीन। तो इनके साथ क्या करते हैं, अब्दुल कलाम जी के पिता, नौकाएं बनाने का काम शुरू करते हैं, उनके साथ करते हैं। बाद में अहमद जलालुद्दीन से मेरी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। पर आप भी देखो, आप जब अपने बहन की शादी के दूसरे व्यक्ति से शादी होती है तो उनका रिलेशन कैसा होता है, बाबा बोलते हैं ना आप कन्नड़ में, तो हिंदी में क्या कहते हैं, जीजा। तो क्या होता है, यहाँ पर जलालुद्दीन के मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई, इनकी बड़ी बहन का नाम क्या है, जोहरा है, तो उनके साथ किसके साथ उनका शादी हुआ, जलालुद्दीन के साथ उनकी शादी हो गई। नौकाएं को आकर लेते हुए मैं गौर से देखता था, तो ये जब छोटे थे ना,
लोग क्या करते थे, नौकायन लेने आते थे, तब वे छोटे बच्चे थे ना, लोगों को देखते रहते थे किस तरह का इनका बिजनेस, किस तरह लोग इनका ले जाते थे, व्यवहार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की सप्ताह से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान का मतलब साइक्लोन। एक दिन क्या हो गया, वहाँ पर नदी की पुल रहता है, वहाँ पर छोटा सा पुल रहता है, वहाँ पर जोर से एक बार क्या होता है, सप्ताह जोर से प्रति घड़ी 100 मील प्रति घंटे की सप्ताह से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया, साइक्लोन। और कहते हैं वो सुनामी कहते हैं ना, उस तरह से पानी फुल बहुत ज़ोर से आ जाता है और वहाँ का पूरा क्या हो जाता है, टूट कर बहुत सारे लोग भी क्या होते हैं उसमें मर जाते हैं। तूफान में सेतु कराई की कुछ लोग और हमारे गांव हमारी नावें बह गई। नावें का मतलब नौकाएं, बोट रहते हैं ना, उसमें बह गई, चली गई, पानी में चली गई। उसी में पाबंद पुल भी टूट गया। एक पाबंद पुल का नाम है, वो भी क्या होता है, टूट जाता है और यात्रियों से भारी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहाँ से लोगों को भी बहुत सारा एक्सीडेंट, ये बहुत सारे लोग मर भी गए और उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था, उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जाओं से मुझे हतप्रभा कर दिया। वहाँ पर ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी थोड़े दिन बंद हो गई थी। उम्र में काफ़ी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। ये कौन थे? जलालुद्दीन जोहरा के पिता, यानी कि अब्दुल कलाम के जीजा थे, बाबा बोलते हैं ना। तो उनका उम्र और अब्दुल कलाम का उम्र में बहुत सारा फ़र्क था, 15 साल, यानी कि 15 ईयर्स डिफरेंस था। अब्दुल कलाम छोटे थे, जलालुद्दीन बड़े थे, फिर भी वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्त का मतलब फ्रेंड्स। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। कौन? जलालुद्दीन क्या करते थे? अब्दुल कलाम जी को आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। रोज़ शाम वे दोनों क्या करते थे, पूरा काम होने के बाद आप कहते हैं वॉकिंग पर ऐसे शाम को नदी की सैर, नदी के पास जाते थे, घूमने जाते थे, इधर उधर घूमने फिरने जाते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र की रेतीली तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। वे क्या करते, मस्जिद वाली गली जहाँ वे रहते थे उस एरिया से नदी की तट पर जाते थे। वे जब जाते थे ना साथ में, कोई आध्यात्मिक विषयों पर ही बातें करते थे, रिलीजियस धर्म के बारे में ही डिस्कशन बहुत होती थी उनके बीच। प्रसंगवश मुझे यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे। तो वे क्या कहते हैं, प्रेजेंट प्रसंगवश में, उस समय वहाँ उस उनके मोहल्ले में, उनके एरिया में ही ये अकेले व्यक्ति थे। कौन? जलालुद्दीन, जिन्हें अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी का मतलब क्या है, इंग्लिश में पढ़ना और लिखना आता था। मेरे परिचित में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। तो वे कहते थे कि अब्दुल कलाम कहते हैं कि इनके इक्वल, जब वे समानता करते थे कि उनके एरिया में इनकी तरह कोई भी उतना पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही किसको उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था, बाहर की दुनिया किस कैसी है। तो उनके इनके बराबर, किनके बराबर, जलालुद्दीन के बराबर किसी को भी उतना कोई भी उनसे बुद्धिमान नहीं थे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायर से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। जब वे रोज़ शाम अपने घर से और नदी की तरफ जाते थे ना, उस समय क्या करते थे, इस तरह की बातें कर उनको ध्यान दिलाते थे। कौन? जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को इन विषयों पर, जैसे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो,
वैज्ञानिक के बारे में, इन तरह के बारे, समाज के बारे में, सभी सभी का ध्यान जलालुद्दीन क्या करते थे, किसको दिलाते थे, अब्दुल कलाम जी को दिलाते थे, बोध कराते थे, टीच कराते थे। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्बल्भ वस्तु की तरह हुआ करते थे, क्योंकि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। कौन? अब्दुल कलाम जी। तो उन्हें पैसों की बहुत कमी थी, तो वे क्या करते, उनकी लाइफ में एक दुर्लभ वस्तु कौन सी थी? पुस्तकें। पुस्तकें का मतलब क्या है? बुक्स। उन्हें खरीदने उतने पैसे नहीं थे। हमारे यह स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांति या कहिए उम्र राष्ट्रवादी एसटीआर, ये नाम एसटीआर माणिकम, एक आदमी का नाम है एसटीआर माणिकम, इनकी एक पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब क्या है? लाइब्रेरी। इनकी घर में एक लाइब्रेरी थी, कनीची पुस्तकालय था, इनके घर में एक लाइब्रेरी थी। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे। ये क्या करते थे? माणिक्यम अब्दुल कलाम जी को प्रोत्साह करते थे, प्रेस करते थे कि आकर हमारे घर से पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ से किताबें लेकर अब पढ़ लो, इस तरह का प्रोत्साहित करते थे, प्रेस कर रहे थे। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था, किताबों के लिए जाते थे, किताबें ले आते थे और पढ़ते थे, फिर से उन किताबों को वापस करते थे, फिर दूसरे किताबें ले आते, ऐसा करते थे वे। कौन? अब्दुल कलाम। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरा बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे, कज़िन ब्रदर। चचेरे कज़िन ब्रदर कौन थे उनका? शमशुद्दीन थे। किसके? अब्दुल कलाम जी। तो ये दूसरे व्यक्ति थे उनके जीवन में, उनसे गहरा असर पड़ा, वेरी डीप अट्रैक्शन हुआ उनके बीच में। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र विस्तार थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाबन से आती थी। अखबार का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर। ये क्या काम करते थे शमशुद्दीन? न्यूज़पेपर, पूरे 1000 न्यूज़पेपर आते थे उन्हों काम पर आते थे, ट्रेन से आते थे स्टेशन पर, वह क्या करना था, वहाँ से ले जाना था, अपनी वहाँ से एजेंसी को ले जाते थे, वहाँ से क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वहाँ वहाँ देते थे। रामेश्वरम में अखबार की एकमात्र विस्तार थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुँचते थे। अखबार कहाँ पहुँचती थी? सुबह की ट्रेन पर वहाँ पर पहुँचती थी, जो पाबन से आती थी, एक गांव से आती, पाबन का मतलब एक गांव है, वहाँ से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। अखबार एजेंसी रहती है ना, न्यूज़पेपर एजेंसी को अकेले सिंगल पर्सन वही काम किया करते थे, अकेले चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रक्रिया बिकती थी। रामेश्वरम में 1000 प्रक्रिया, ये 1000 पीसेस वहाँ पर बिकती थी, बिकती की मतलब सेल होती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। किन के? अब्दुल कलाम जी के। पक्के का मतलब क्या है? क्लोज फ्रेंड। बचपन में इनकी चाइल्डहुड में क्या हुआ था, इनके 3 पक्के दोस्त थे, 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। उनका नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये तीनों क्या हैं? इनके दोस्त थे। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। ये अब्दुल कलाम जी मुस्लिम परिवार के थे और ये 3 दोस्त ब्राह्मण परिवार के थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्ष लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? पहले ही आपको मैं बोली थी, ये लक्ष्मण शास्त्री अब्दुल कलाम जी के पिता जनलाबादीन उनके दोस्त थे। तो उनके दोस्त का बेटा कौन है? रामानंद शास्त्री। ये रामानंद शास्त्री कौन है? अब्दुल कलाम का फ्रेंड है। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हमने से किसी भी बच्चे ना कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। ये तीनों दोस्त थे ना, ये तीनों पूरे ब्राह्मण के थे और ये अब्दुल कलाम सिर्फ अकेले मुस्लिम परिवार के थे। इस चारों में कोई एक बच्चे को भी भेदभाव या कोई धर्म धार्मिक पढ़ाई लिखाई कुछ में भी इनमें भेदभाव की भावना कभी भी महसूस ना हुई। क्या बोलते हैं, भेदभाव मीन्स कोई कास्ट फीलिंग कुछ भी हो, उनमें ऐसा कोई भेदभाव की भावना नहीं थी, कास्ट फीलिंग में नहीं था। तो आज तक यहाँ का पाठ खत्म हो जाता है।
इस पार्ट यहाँ तक ही ख़त्म हो गया। फिर अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। इसके बाद आपको नोट्स मिलेगी, आप सभी इस नोट्स को कॉपी करेंगे। और बच्चों, जब जब आपको नोट्स मिलती हैं, अब सिर्फ लिखने का ही नहीं पढ़ने का भी काम करना होगा। आपको बहुत सारा टाइम है, अभी से आप दसवीं कक्षा के बच्चे हो, आपको बहुत कम समय मिलेगा बाद में से। इसलिए आपसे ही आप क्या करो, जिसका जो भी लेसन का पार्ट को दिया गया है, नोट्स दिया गया है, तभी ट्राई करो पढ़ने के लिए।